हरी गेरी गेरी बिरखा भाजा ते पाछा कहीं आ जा गेरी गेरी बिरखा भाजा उठी पाछा कहीं जाओ उमन साची साची बात बताओ जियो तालियों के साथ में साची साची बात बताओ जियो साची साची बात बताओ जियो मख मख मारे कंवरे अजी मारा रुणी चिरा राजा है लो सांबड़ो जियो रुणी चिरा राजा है लो सांबड़ो जियो मख मख गेरी गेरी बिरखा भाया पाछा कहीं जाओ ते मने सांची सांची बात बताओ आखिर में होयो कहीं है भगवान की कृपा हुई इतनो गेरो जमानो होने दी आशंका है और गेरो जमानो वे थे आपने खेत में बावला नहीं तो खाओ लगाई बोलो कहीं बात अब गावरा ठाकुर था कौन बोले के थे बांझिया एक 80 बरस ना डोकरा आगे आया हाथ पग धूजे और अजमाल जी महाराज रे सामने हाथ जोड़ कहो कि बाप जी आप तो ठाकुर हो आप तो मालिक हो आप तो अंदाता हो पर अरे थे तो अजमल जी बीरा बांझिया कही जो तू अजमल जी बीरा बांझिया कही जो भारा सुगन खराब घना होया जियो सुगन खराब घना होया जियो खम्मा 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 रे कोबरी अजमान रूनी चिरा राजा हेलो सांबलो जियो मख मख मारे कबरे अजमान बोले ठाकुर साहब अंदाता आप तो मालिक हो पर अंदाता आप बांझिया हो और बांझिया आज मेरा सुगन लेर खेत में जाने से बढ़िया है कि घरे आराम करो क्योंकि थारा सुगना सु कहीं निपजनो तो नहीं और थारे जड़ा बांझिया आज मेरा सुगन लेर खेत में मेहनत करने से मतलब कहीं अब देखो करसा आवड़ कावड़ शब्द कह दिया अजमाल जी महाराज रे पैरों नीचो बात सुन और धरती निकल गई किसान ने आडा टोडा बोलता बोलता अपने घर चला गया अजमाल जी महाराज धीरे 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 अपने घर पहुंचा जब पतिदेव ने मैनादेव जी उदास देखा तो बोल दियो पिया जी ओ सजना आप यूं आज बिलखा बिलखा लाग रहा हो कई बात है आप बड़ा दुखी हो आप मने बोलो अजमाल जी महाराज रे आंखें मुंह आंसू आ गया बोले रानी बांझियो के वेरे मारो मुख नहीं देखे
अरे बांजियों के वेरे मारो मुख नहीं देखे एड़ा कई पाप कमाया जियो एड़ा कई पाप कमाया जियो खम्मा 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 रे कबरी अजीमा रूनी चिरा राजा हेलो सांबलो जियो खम्मा 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 रे कबरी अजीमा देखिए अजमाल जी महाराज रोता थका आंखा में आंसोरी लड़ी बेवे अपनी रानी मेना देने कहने लगा बोला रानी इनसो चोको है कि भगवान मने ही दुनिया उठा ले बांझिया बांझिया करे। देखिए जब कभी भी आपके हमारे घर में कभी ऐसा मौका होता है तो पत्नी अपने पति को निश्चित रूप से धीरज बंधाती कि चिंता ना करो भगवान सब ठीक करेला। मैणा दे जी भी अजमाल जी महाराज ने समझाया बोले पियाजी चिंता ना करो ना आप 12 साल तक द्वारिकाधीश का दर्शन किया एक बार मैं बोल रही हूं 13वीं बार फिर चले आ जाओ और इन बार द्वारकारो नाथ आपने मंदरी इच्छा जरूर जरूर पूरी करेगा। बाजरी ने लाडू बना दिया अजमाल जी महाराज ने दिया बोले भगवान ने भोग लगाई जो और भगवान ने सच्चे मन से प्रार्थना कर जो अजमाल जी महाराज फिर द्वारिका रे रस्ते रवाना हो गया। सर्दी गर्मी बरसात उड़बाना पाड़ा थका पावों में छाला पड़ गया एक सांवरियारी आस लिया अजमाल जी महाराज बहता गया बहता गया बहता गया। एक दिन द्वारिकाधीश से मंदिर रे आगे जा हाथ जोड़ खड़ा हो गया बोले भगवान 12 साल तक आयो हमारी नहीं सुनी 13वीं बार फिर आ गयो और इस बार यदि नहीं सुनी तो थारी चौखट पर माथो पटक पटक मर जाऊला पर पाछो घर ना जाओ आर अरे हाथ जोड़ने अर्ज करूं जी हाथ जोड़ने अर्ज करूं जी आयो थारे बारने क्योंकि अरे दुनिया माने मोसा दुनिया माने मोसा बोले एक ताबद दे माने मोसा बोले किता बद दे कारने दुनिया माने मोसा बोले किता बद दे कारने बोले केवे केवे अजमल सुन सावरा इतरो मत बन मुंजी और एक टाबरियो मने देवे एक टाबरियो मने देवे तो नहीं घटे थारी पूंजी और नहीं सुनेला विघ्न करूला अरे पूजा आरती में विघ्न करूला मर जाऊला लोगों रो भरोसा उठ जावेला थारे ऊपर सो कि एक भगत भगवान की चौखट पर मर गयो पाछो घर ना जाओ बहुत देर हो गई। अब भगवान रे आगे अजमाल जी सर पटक पटक रो रहा है
अजमाल जी महाराज जी ऊपर देखो तो भगवान की मूर्ति मुस्कुराती हुई दिखी, और जब मूर्ति ने मुस्कुराती हुई देखी अजमाल जी महाराज रो क्रोध और बढ़ गयो। अब और कुछ हो नहीं पास में, वे बाजरी रे लाडू लाया भगवान ने भोग लगाने वास्ते। अजमाल जी महाराज रीस में वे बाजरी रे लाडू भगवान की मूर्ति ने मार दिया। मंदिर का पुजारी जी दौड़ता दौड़ता भागता भागता है, बोले कि ठाकरा कहीं कुका मांडो मांडो है। अजमाल जी महाराज पुजारी बता दे कठे बार का रोना, दर्शन करीवाने आयो जियो, दर्शन करीवाने आयो जियो, अम्मा खम्मा खम्मा रे कवरे अजीमा। अब बोले पुजारी जी इतना साल हुआ हो आप सुबह शाम भोग लगाओ आरती करो, आपने तो पतो वेला कि भगवान कठे। और बड़ी रीस में जब पुजारी जी देखे ठाकुर ने तो पुजारी खुद डर गया, बोले बताओ नहीं तो एक मिनट में मंदिर खाली करो। पुजारी जी अब सीधो सीधो तो जवाब क्या देवे, कहो ठाकुर साहब गर्मी ज्यादा पड़ रही है, जेठ महीनों है और इतनी गर्मी भगवान ने सहन नहीं हुए, तो भगवान अभी समुद्र में विश्राम करने वास्ते गया है। पंडित बोलियो सुनो ठाकरा मूर्त आगे कहीं लड़ो, और सांवरिया सो मिलनो वे तो समुद्रिया में कूद पड़ो, क्योंकि इन सागर पीपा जी ने मिलिया चार गुजारदार ने, भगवान पीपा जी ने मिलिया थाने भी मिल जाती। पुजारी जी कह दियो कि ठाकरा समझ में नहीं आवे भगवान समुद्र में विश्राम करने वास्ते गया है। बोले इतनी बात सुनी अजमल ने समुद्रिया में कूद पड़ा, और सोने का तो महल देखा हीरा पन्ना खूब जड़ा, आए सांवरे दर्शन दीना सिर पर पट्टी बांधने, भगवान रे माथा ऊपर पट्टी बंधी हुई है, माथा ऊपर सु खून बह रहे है। अजमाल जी महाराज बड़ा हक्का बक्का हो गया, बोले भगवान की कर दो खबरा, मैं तो सुनियो तो कि आप तो बहुत बड़ा आदमी हो, आप तो इन तीन त्रिलोक का नाथ हो, आप तो बड़ा शक्तिशाली हो, और आप इतना बड़ा शक्तिशाली हो तो फिर आपने माथा ऊपर चोट कैसी है। भगवान मुस्कुराता कह दिया कि अजमाल थारे जड़ा कई बड़ा भगत ही दुनिया में है। बोले भगवान हो कहीं, बोले कोई भगत मारे लाडूरी मार दी। अजमाल जी बोलिया भगवान मैं तो भी मूर्ति ने मारी आपने चोट कटू लागी। तब श्री हरि विष्णु अजमाल जी महाराज ने समझाया, बोले कि देख अजमाल उन मूर्ति में मारो वास नहीं होतो नहीं तो तू कोई 12-12 साल तक थोड़ी आतो। अजमाल जी महाराज भगवान के चरणों में गिर गया और भगवान ने हाथ जोड़न विनती करने लगा। अजमाल जी महाराज जब भगवान के चरणों में पड़ा तो भगवान अजमाल जी महाराज ने कहो कि अजमाल चिंता ना करना हरे बड़ो विरम दे वेला। अजमाल जी महाराज ने उस बात को ही पकड़ लिया, बोले भगवान बड़ो विरम दे वेला तो छोटो कौन वेला। तब श्री हरि विष्णु अजमाल जी महाराज ने कहने लगा, बोले बरस चौपनो नयो मास जग, बरस चौपनो मास भादवो नयो चांद जग फूगेला।
सुन रे अजमल थारे पालड़े दो दो टाबर झूलेला ओ पानी रो तो दूध बनेला पानी रो तो दूध बनेला कुकु पगल्या आंगने भगवान के अवतार की बात है तालियों के साथ में दुनिया माने मोसा बोले एक टाबर रे कारणे दुनिया माने मोसा बोले टाबर रे मरुधर भूमि आवे देवता इन धरती पे अवतार लियो है द्वारकाधीश भगवान धरती है प्रभु भगत वसल भगवान की अजमल जीरी भक्ति जागी सूती सुरति भजन में लागी नाथ द्वार का आंगन आए भाव समझ भगता धर जाए आई मलनी है प्रभु मुस्काया धोरा धरती आप पधा चारों तरफ चाही चाही हो गई
भूख इतनी बढ़ गई कि पहले तो उसने जानवरों को खाना शुरू किया, फिर भी उसकी भूख नहीं बुझी तो उसने इंसानों को खाना शुरू कर दिया। चारों तरफ त्राही त्राही हो गई। तब अजमाल जी महाराज ने भगवान की भक्ति की 12 साल तक द्वारिकाधीश को मनाया और 13वीं साल भगवान स्वयं विक्रम संवत 1461वीं साल धोरा धरती बाड़मेर जिले में एक जगह है उंडुकाश में, अजमाल जी महाराज ने वचन अनुसार भगवान स्वयं पधारया तो लिखा है, छायो घोर अंधारा दुखी हुआ है मानवी, छायो घोर अंधारा दुखी हुआ है मानवी। मित्रों जिस ताकत के साथ में हम गा रहे हैं उस ताकत से आपकी तालियां मिल जाएगी तो आपकी तालियों से हमारा बैंक बैलेंस तो नहीं बढ़ेगा लेकिन आपके भाग्य का बैलेंस बहुत जबरदस्त बढ़ जाएगा, हमारा ये मानना है। आधरती है प्रभु भगत वसल भगवान की, आधरती है प्रभु भगत वसल भगवान की, भगत वसल भगवान।